वो दो जोकर लोगों ने वीडियो बनाई है कि एजाज भाई आपने हमको धमकी दी थी, हम लोग बम्बई आए हुए, बंद कमरे के अंदर बनाई हुई है, उसमें बम्बई किधर है और एड्रेस किधर है? अबे जंगल में मोर नाचा किसने देखा? और मिलूंगा एल्विस तेरे से आके, तू जहां भी रहेगा उधर आऊंगा और अकेला आके मिलूंगा तेरे से, और तेरे से भी दलाल, अकेला वन मैन शो, कोई आर्मी नहीं है रे मेरी, वन मैन आर्मी हूं मैं। भेद लोकेशन किधर है तू? राम राम भाई सभी लोगों को, जितने मेरे भाई देख रहे हैं इस वाली वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वाली वीडियो ना मैं बहुत बहुत डर के बना रहा हूँ भाई, बहुत डर लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं मुंबई में खड़ा हूँ एजाज भाई की नगरी में। उन्होंने बोला था मुंबई में मेरे से सॉरी बुलवाएंगे, कटारे से सॉरी बुलवाएंगे, जितने भी यूट्यूबर है सबसे सॉरी बुलवाएंगे, दिल्ली में मिले दिल्ली में पकड़ेंगे हमको, मुंबई में पकड़ेंगे और कहां पकड़ेंगे, हरियाणा में पकड़ेंगे, हरियाणा में, क्योंकि भाई के बहुत सारे लोग हैं वहां पे, हमें सॉरी बुलवाएंगे भाई साहब। पकड़ ले भाई, पकड़ लो, बहुत रीच आउट करने का ट्राई करा है, ये शेर कर रहे थे भाई। पहले तो ये बताओ शेर घर पे आया था या घर से कोई जंगल में गया था, जो बोल रहे थे ना कुत्ते और शेर वाली बात, या फिर घर पे आया था शेर वो वाला, वो मैच नहीं करता ज्यादा, क्या खींचनी इसको ना, तुम्हारी कितनी औकात है और किसकी क्या है सबको समझ में है, तो ये इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे भौंकना थोड़ा बंद करो और थोड़ा इंसान के बच्चे की तरह रहो। तुम्हें भी पता है तुम्हारे आधे दो पैर सलाखों के पीछे है, जो मुंह बाहर निकला है ना उसको ज्यादा इतना मत चिल्लाओ कि पूरे अंदर जाओ, हिसाब से रहो। और भाई जिसको नहीं पता, जिसको थोड़ा सा जो क्लियर नहीं है आइडिया कि भाई हम ये क्या वीडियो बना रहे हैं, तो हमारे एजाज भाई ने भाई बहुत क्लियरली ये धमकी समझ लो, धमकी दी थी एक तरीके से कि भाई ये कर दूंगा वो कर दूंगा, यहां नजर आ गए वो कर दूंगा, यूट्यूबरों के साथ वो कर दूंगा, इंस्टा पे लोकेशन हम डालते हैं, ब्लॉग में लोकेशन हम डालते हैं, हर जगह लोकेशन हम डालते हैं, भाई को कॉन्टेक्ट भी कर लिया, कोई जवाब नहीं, ये सिर्फ इंस्टाग्राम के बन के रह गए कि इंस्टाग्राम पे हवाबाजी कर ली, चल भाई यहाँ पे सॉरी बुलवाऊंगा और चलो सो जाओ। इनका कुछ नहीं है, अटेंशन लेनी है, फिर अपने दो चार चेले चपाटों के लिए वोट मांगनी है, इतनी इनकी औकात है। इतने साल से तुम जानते हैं सब तुम्हें कि तुम कुछ हो ही नहीं, ठीक है, अपने हिसाब से रहना शुरू करो, लोगों को बांटना लोगों को प्रोवोक करना छोड़ दो, उस लायक बनो कि तुम्हारे ऊपर कोई रील बनाए, ये हमारी आखिरी है, इसके बाद हम नहीं बनाने वाले कुछ। पैसा लगते हैं भाई रील बनाने के मेरे वाले अकाउंट में डालने, माँ कसम मैं तो ये फ्री फंड में डाल रहा हूँ उसके ऊपर, कितना नाम मिल गया इसे भाई, तुम्हारा करियर है तुम्हें चलाना है, तुम यार मेहनत करो ना भाई, किसी को गाली गलौज करके तुम्हें क्या मिल रहा है बताओ, कुछ मिल रहा है? ऐसी वीडियो मिल रही है भाई, साबुन मिलेगा, साबुन मिलेगा और वो गिर जाएगा, कितनी बारी जेल में गिरा होगा सबको पता ही होगा, और मार जैसा कोई पीछा आ जाओ, अब छोड़ो इसे मरन दो भाई, ये लास्ट वीडियो हमारी, इसके ऊपर नहीं आई, इसके बाद कुछ भी हमारी तरफ से खत्म, मैसेज कर लेना भाई साहब, आपकी जगह पे मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डन, सी यू मैन, इतना रखो पहले मिलने लायक। और वो जो बोल रहे थे ना रजरत भैन चोद मेरे नाम से, नहीं नहीं ये मेरे नाम से मेरे मुंह से स्लिप होने लग गई अब ये चीज, जो आप बोल रहे थे ना रजत दलाल के नाम में दलाल आता है, तो रजत के पीछे ना जाट भी आता है, और गैल राव साहब भी खड़े हैं, 36 बिरादरी खड़ी है, ठीक है, थोड़ा हिसाब से रहो, इन चीजों को तोड़ने के हिसाब से मत करो, ख्याल रखो अपना।